सालों बाद बहुत सही है गाइस। अभी ऊपर उठ के देखते हैं भाई, क्या बोलूं मैं, मतलब नो वर्ड्स गाइस। गाइस हम इंडियंस लोगों को ना भाई चाय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस चाय। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में, पूरा अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस सोलो ट्रिप करने वाला है, अकेला मैं जाने वाला हूँ कहीं पे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आई होप इट विल बी फाइन, सेफ एंड सिक्योर। तो गाइस आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने छत से, मतलब ऑटो टेरिस से। तो उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा फ्रेश फील करना चाहता था। तो अभी गाइस सुबह का बज चुका है 5 बजे, लेकिन शायद आप लोगों को बिलीव नहीं हो सकता है कि 5 बज रहा है, लेकिन हाँ सच में 5 बज रहा है। इसका कारण क्या है अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले से ही बता रहा था कि एक ट्रिप मैं प्लान कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से डिले होता रहा। पर एट लास्ट आज वो दिन है गाइस। आज तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में, पूरा अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस सोलो ट्रिप करने वाला है, अकेला मैं जाने वाला हूँ कहीं पे, बताने वाला हूँ। तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट का बोले या फिर ईस्ट का, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो जगह को। जिसको हाफ लॉन्ग बोलते हैं, तो हम लोग हाफ लॉन्ग टाउन में जाने वाले डिबा हसाओ जिला में। तो इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड तुम्हारा भाई को पता है कितना ज़्यादा नेचर पहाड़ कितना ज़्यादा पसंद है। तो हाँ आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से मैं डिबा हसाओ को दिखा सकूँगा, हाफ लॉन्ग को अच्छी तरीके से दिखा सकूँगा। तो इसलिए गाइस अपन आज ट्रैवल करने वाले हैं टू हाफ लॉन्ग, और ये जो हाफ लॉन्ग का सीरीज़ होगा ये 2 पार्ट्स में आएगा। मैं वहाँ पे रहने भी दो दिन ही वाला हूँ, मतलब 2 दिन का ट्रिप रहेगा, पूरा अकेला, पूरा सोलो ट्रिप, मैं बस अकेला जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत कुछ पता है कि फर्स्ट टाइम अकेला जा रहा हूँ तो एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एंड बाकी फिर आगे चल के अगर इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार मिले तो आगे चल के हम लोग और भी बाहर जगह पर एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग जिससे रिकमेंड करें। तो ट्रिप करने वाला वो भी सीधा हाफ लॉन्ग एंड हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड फिलहाल तो गाइस सुबह का 5 बज चुका है, मेरा जो ट्रेन है वो है 8 बजे, तो लगभग 7 to 7:30 बजे तक मैं गुवाहाटी स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, एंड फिर 8 बजे अपना ट्रेन है। तो हाँ सिलचर एक्सप्रेस जो ट्रेन होता है गुवाहाटी टू सिलचर एक्सप्रेस, उसी ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, उसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आई होप कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। एंड फिलहाल आप लोग को एक नज़ारा यहाँ पर दिखा देते हैं गाइस। तो चेक दिस आउट, द मॉर्निंग व्यू ऑफ आवर टेरिस्ट, वहाँ पर अपना रेडिसन, एंड वो जो गाइस सनराइज़ हुआ है वहाँ पर, जो सन देखो एक बार से भाई, सन भी हम लोग को, सूर्य देवता हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ हैप्पी जर्नी लग तो रहा है, ठीक है। बाकी गाइस आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे, मम्मी से भी लास्ट बाय करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में विदाउट मम्मी रहने वाला हूँ, एंड विदाउट सबके मेरा बहुत अलग सीन होने वाला है, पर एक्सपीरियंस लाइफ में सब कुछ जरूरी है। तो हाँ होपफुली सब हो जाए। दिस आउट लगेज इज रेडी, ये एक बैग होगा एंड ये एक बैग होगा एंड ये एक बैग होगा, मस्त ऑल एवरीथिंग इज रेडी गाइस, एक्साइटेड फॉर टुडेस ट्रिप। फिलहाल गाइस अभी का टाइम हो चुका है लगभग 6:33, सो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं लगभग 7 बजे तक, एंड 8 बजे को अपना बस ट्रेन आ जाएगा वहाँ पे। फिलहाल बाय बाय करना पड़ेगा 2 दिन के लिए घर को, 2 दिन अपन घर को मिस करेंगे सर उससे। कार आ चुका है, सारा सामान वगैरह रख देते गाइस। बॉयज बाई कर रहा हूँ अपने सोसाइटी को, डायरेक्टली 2 दिन बाद ही निकलते हैं, एंड 2 दिन बाद ही मिलते हैं, सीधा निकलते हैं अभी स्टेशन के लिए। गाइस वी जस्ट रीच्ड एट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। भाई ये सब ट्रेन्स वगैरह देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना सालों बाद, बहुत सही है गाइस। अभी ऊपर उठ के देखते हैं, यहाँ से गाइस हम लोग क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। लेट्स गो। हम लोग का ट्रेन का टाइम है चेक कर सकते हो, 7:45,
एम्स। तो गाइस अभी सीधा ट्रेन में उठ के आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल तो भाई ऐसे रेल स्टेशन में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना साल बाद आके वहाँ। फिलहाल अपना ट्रेन देखते हैं कब तक आता। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई। सीधा ट्रेन में उठ के आप लोगों से मिलते हैं। थोड़ा सा लेट हो रखा है क्योंकि हम लोग का 8 बजे को था, अभी वो डायरेक्टली गाइस 8:25 को शिफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा लेट चल रहा है अपना ट्रेन। बाकी यार बस सच एक बार ट्रेन में बैठ जाने के बाद मैं फिर टेंशन फ्री। इस पूरा तूफान आने वाला है एकदम से, ट्रेन अभी तक नहीं आया हम लोग का। गाइज यहाँ पे अंधेरा इतना हो चुका है कि रेल वालों को गाइज यहाँ पे लाइट जलाना पड़ रहा है। ठीक है, आई गेस मुझे जो लग रहा है कि हम लोग जब पहाड़ वहाड़ क्रॉस करेंगे ना तब बारिश का पूरा बारिश वगैरह होने वाला है, क्योंकि अभी से गाइज जो हवा दे रहा है ना एकदम लग तो रहा है कि तूफान आने वाला है। एंड ट्रेन बहुत लेट है गाइज, सीधा 8:25 था, अभी 8:25 से सीधा हम लोग को 8:45 कर दिया है। बहुत गंदा सीन है गाइज, देखते हैं कब तक ट्रेन आता है अपना। एंड शायद से ट्रेन छोड़ते छोड़ते लगभग 9 बज जाएगा, लग तो वही रहेगा इस, बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो मिला है प्लेटफॉर्म नंबर 2, लेकिन बारिश बहुत खतरनाक वाला हो रहा है। फाइनली हम लोग का ट्रेन गाइज यहाँ पे रुकने वाला है। जैसे कि मेरा कोच है S2, तो गाइज यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे S2 होगा, S2। तो इसलिए गाइज हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हम लोग का कोच यहाँ पे होगा। फाइनली भाई इतना बारिश का सीन है ना एकदम से, पहाड़ वार कैसे रिकॉर्ड करूँगा पता नहीं, पर अपन ट्राई करेंगे अपना पूरा ताकि अच्छे से सब कुछ दिखा सको। एंड लगेज वगैरह सब गाइस यहाँ पे है। एंड लेट्स गो, देखते हैं कब तक अपना ट्रेन आता है। और भाई लेट है बहुत ज़्यादा। हम लोग का हो चुका है ऊपर वाला वर्क, अभी यहाँ पे जगह ही नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर गिरने से ना बहुत दिक्कत होता है। तो इसका भी फिलहाल तो यहाँ पे नीचे हम लोग बैठे हुए, बाद में देखते हैं जब TT वगैरह आएगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। 6-7 घंटे का जर्नी है ना, तो वही वाला है। बाकी अभी यहाँ पे सही है अपना, लेकिन लगेज वगैरह ऑलरेडी मैंने अपने जगह पे रख दिया है गाइस। लेट्स गो, मिलते हैं। लग बहुत सही है, आते ही गाइस गरम गरम चाय मिल चुका है। चेक दिस आउट, बस चाय पीते गाइस। एंड टाइम हो चुका है लगभग 9:22, तो लगभग 10 बजे तक गाइस ट्रेन छोड़ देगा। नेक्स्ट आवर ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन अभी छोड़ दिया है गाइस गुवाहाटी स्टेशन से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस भगवान से दुआ करता हूँ अच्छे से अपना जर्नी हो जाए। एंड मिलते हैं डायरेक्टली, कुछ रोड व्यूज दिखाएंगे आप लोग को, पहाड़ वगैरह दिखाएंगे, एंड फिर हाफ लॉक पर जाके मिलेंगे आप लोगों से। लेट स्टार्ट दिया पर हाँ अच्छा लग रहा है अभी गाइस, इतना साल बाद ट्रेन पर रहा है। एंड चेक अभी से व्यू वगैरह आना थोड़ा शुरू हो चुका है। स्काई देखो एक बार से गाइस, चेक दिस आउट। फर्स्ट स्टॉप हम लोग के ट्रेन का, लेकिन वो भी शायद से क्रॉसिंग होगा इसलिए, बाकी स्टेशन अभी तो आया नहीं है। बाकी लैंडिंग जब आ जाएगा तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग करीब हाफ लॉन्ग तक सही है। फिलहाल तो गाइस वेट कर रहे हैं कब तक पहुँचे, ट्रेन में राइड एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो ही जिंदगी है गाइस। अब ब्लॉग पे प्यार दिखाना, तो नेक्स्ट और भी बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग प्यार करो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इस तरह का।
लोग और कुछ ही देर बाद लैपटॉप पहुंचने वाले हैं। तो भाई बहुत सही जर्नी चल रहा है हम लोग का, बहुत सीन है ना भाई हम लोग का, सामने इतना ब्यूटी है भाई, मज़ा आ रहा है लिटरली। और अभी हवा बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं साउंड कैसा आ रहा होगा, पर आई गेस अच्छा आ रहा होगा। फिलहाल के लिए गाइस बस व्यूज एंजॉय करो, एयर वाली व्यूज एंजॉय करो। देखा गाइस लैम्बडिंग जंक्शन, तो लैम्बडिंग हम लोग आ चुके हैं। तो अभी और लगभग 2 to 2.5 hours समथिंग फॉर हाफ लॉन्ग भाई, बहुत करीब आ चुके हैं गाइस। लैम्बडिंग जंक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, पहले वो छोटा था तो बहुत बड़ा है गाइस। एंड जस्ट पहुँचे हम लोग, तो इट्स काइंड ऑफ गाइस अगर टाइम चेक करो तो इट्स 12:40, तो लगभग 3 to 3:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल गाइस भूख बहुत लगा है, कुछ ना कुछ खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। छुट्टी सीन है, बाकी एंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी गाइस लैम्बडिंग से स्टार्ट हो गए टू हाफ लॉग, जो अभी व्यू आने वाला है मतलब पहाड़ वगैरह ये सब कुछ अभी से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे से पहाड़ की तरफ जा रहे हैं ना। एंड हाँ थैंक आप लोग को एंड ब्लॉग को शेयर करना। गाइज हम इंडियंस लोगों को ना भाई चाय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बस चाय। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए गरम गरम चाय ले लिया, मस्त बस चाय पीते गाइज, एंड बाकी जो भी सीन है बताएंगे। लैम्बडिंग से छोड़ दिया है हम लोग का ट्रेन, एंड अब गाइज अभी फिर से निकल पड़ा है। एंड अभी गाइज आप लोग को मज़ा मज़ा व्यूज वगैरह देखने को मिलेगा। एंड हाँ देखते हैं लगभग 3 to 3:30 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे। एंड फिलहाल लैम्बडिंग तक पहुँच गया, मतलब बोल सकते हो कि गाइज 50% आ चुके आप लोगों के। अभी और 40 to 41 किलोमीटर और बाकी है माइबाग के लिए, उसके बाद फिर आप लोग आ जाएगा गाइस। एंड फिलहाल गाइस हम तो एकदम सो के रखे हैं, चेक दिस आउट, यहाँ का एनवायरमेंट सब सो हुआ है, चेक दिस आउट। तो हाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड फिलहाल, थोड़ा सा सो रहा हूँ, पर एकदम से नींद आने से भी जरूर हो जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का नैप। देख लो देख लो, सच में अंधकार हो चुका है सब कुछ, और ये अभी खुलने वाला है और टनल अभी खत्म हो, इतना लंबा टनल है, चेक मारे बॉयज। ओ भाई ओ भाई, चेक दिस आउट, और ये खुल चुका है भाई, बहुत लंबा टनल था लिटरली गाइस, बहुत लंबा टनल था। लोग अभी पहाड़ के लाइन में चल रहे हैं ना, अभी पहाड़ वहार, तो अभी ऐसा बीच बीच में कहीं टनल वगैरह होगा। एक तो टनल ये है, अभी सेकंड और भी टनल चाहिए, देखो 5 टनल चाहिए। गाइस वी आर क्रॉसिंग सेकंड टनल, चेक आउट बॉयज, ये है दूसरा वाला टनल भाई, ये भी भाई कम ज़्यादा छोटा नहीं है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा है, चेक दिस आउट बॉयज। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हफ लॉन्ग के यहाँ पे जा रहे हैं, पहाड़ों के पास जा रहे हैं भाई, चेक दिस आउट गाइस, ऐसा रोड, ठीक है। और जो एक सॉन्ग है ना, ये गाना और गाइस ऐसा रोड भाई परफेक्ट मैच है, एकदम परफेक्ट मैच है। एंड चेक दिस आउट भाई, ये रोड्स के लिए तो हम लोग मरते हैं भाई, ऐसा रोड मिलता नहीं है गाइस, ये चीज़ें ब्यूटीफुल लगता है पता है। एक है BMW का M5 कॉम्पिटिशन, एंड दूसरा नेचर, एंड तीसरा भी है लेकिन वो क्या ही बोल सकते भाई। चेक दिस आउट मैन बताते इतना बस व्यू मिल गया ना, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ।
बन रहे हैं, चेक दिस आउट। अभी नेक्स्ट मतलब और लगभग 1.5-2 साल के बाद फिर वहाँ से भी ट्रेन वगैरह जाएगा गाइस। शायद से बाई रोड भी नहीं, नहीं ट्रेन ही है, ट्रेन ही है, ये सी एस दिस इज ट्रेन लाइन ओनली। बाकी गाइस और बाकी और ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, हम लोग लगभग पहुँचने वाले गाइस हाफ लॉन्ग के लिए, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एंड गाइस हम लोग का जो कार वगैरह जो सेट करना था, पहले से मैंने कार वगैरह सेट करके रखा है गाइस, वहाँ पर अपना ड्राइवर आ जाएगा मस्त। और इसके लिए तो हम लोग जी रहे भाई, ये व्यू के लिए तरस रहा था मैं लिटरली गाइस हाफ लॉन्ग आने के लिए। बस एक चीज़ चेक करना है कि टनल से निकलने के बाद क्या प्रॉब्लम को मिलेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट एंड 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 फाइ निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। ओ माय गॉडनेस, वहाँ पे चेक करें, ये वाला टनल जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये 5th नंबर टनल है लास्ट, एंड ये इतना लंबा है, इतना लंबा कि क्या ही बताओ। मैं एकदम एंडिंग में स्टार्ट किया हूँ जस्ट शूट करना, लेकिन ये बहुत पहले से चालू होके रखा है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा लंबा है, एंड लगभग हम लोग आ चुके हैं और ये टनल हो चुका है ख़त्म। सबसे लंबा टनल ये वाला था, सबसे ज़्यादा लंबा। एंड आप लोग जाते वक्त आप लोग को टोटल 5 टनल्स आप लोग को मिलेगा, एंड उसमें से लास्ट वाला सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मैं रॉन्ग था क्योंकि 5 रहेगा इस टोटल 7 टनल्स मिलते हैं, 7 टनल नॉट 5, 7 टनल मिलता है टोटल। एंड ये भी गाइस एक मस्त वाला नज़ारा है, वहाँ पे चेक करो बाहर, ठीक है। एंड अपना ड्राइवर भी शायद से वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये क्या मैं देख रहा हूँ, और एक टनल आ गया है गाइस, 8 नंबर टनल। भाई क्या चल क्या रहा है ब्रो, इस हमने ये वाला स्टेशन क्रॉस किया माइग्रेन दिशा। अभी इसके बाद ही गाइज हाफ लॉन्ग, एंड आई गॉट अ न्यू व्यू गाइज, ये व्यू चेक करो। और वहाँ पे जो क्लाउड दिख रहा है ना भाई, देख लो राइट देयर, एंड आई एम रेडी विथ माई ऑल स्टफ, सारे लगेज वगैरह सब कुछ रेडी करके रखे हैं, फिलहाल तो निकलना है। और फिलहाल तो गाइस अपना जो लगेज वगैरह है यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे 1 है,
फिलहाल लगेजेस वगैरह सब कुछ रेडी करते हैं निकलने के लिए एंड बाकी जो भी सीधे बताएंगे। एंड हम लोग एकदम ट्रेन के सामने बैठे हुए थे गाइस, वहाँ से एंट्री एंड यहाँ पे ये अपना जगह था पूरा। जैन भाई के साथ थे गाइस हम लोग। लेट्स गो गाइस, एट लास्ट वी रीच्ड हाफ लॉन्ग भाई, न्यू हाफ लॉन्ग एट लास्ट वी रीच्ड गाइस। एक बार नज़ारा चेक करो बॉयज, सो गुड यार, सो गुड गाइस। अभी अपना देखते ड्राइवर कहाँ पे है, लेकिन जो वाइब आ रहा है ना यहाँ पे, वो मैं बस एक चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, वो है कि आप लोग को एक नज़ारा चेक करवाना है मुझे। पहले तो वो दिखा देते हैं, चेक कर पा रहे हैं। एंड अभी यहाँ से नज़ारा